आज तो दो दिन के जम्मू कश्मीर दौरे से पीएम मोदी कश्मीर दिवस 3300 करोड़ रुपए की योजनाओं का रखेंगे नींव पत्थर। कल अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मौके पर योग प्रोग्राम लेंगे हिस्सा। कांग्रेस ने जलंधर पश्चिमी सीट से उतारा उम्मीदवार। कांग्रेस ने सुरिंदर कौर दी टिकट। जलंधर के सबका डिप्टी मेयर ने सुरिंदर कौर। बीजेपी उम्मीदवार शीतल अंगुराल भी आज भरने नॉमीनेशन। तमिलनाडु जहरीली शराब का कहर। जहरीली शराब कारण 34 लोगों की हुई मौत। जहरीली शराब कारण 70 तो वध लोग बीमार। पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। सीआईडी को सौंपी गई मामले की जांच। डीएम का किया ट्रांसफर। एसपी को भी हटाया। 10 पुलिस मुलाजमान भी किया मुअत्तल। अमृतसर डीजे वाले दे नाल हो रहे झगड़े को छुड़ाना पिया महंगा। झगड़ा छुड़ाने के चक्कर कुड़म ने लाही गुरसिख की पग। दस्तार उतार उसकी बेटी भी की कुटमार। गुरसिख जसबीर कर रहा इंसाफ की मांग। सऊदी अरब के मक्का में जानलेवा गर्मी। हज दौरान हुण तक 900 तो वध लोगों की मौत। मरण वाले 68 भारतीय भी शामिल। 2000 तो वध लोग हीट स्ट्रोक तो प्रभावित। मक्का में तापमान 52 डिग्री पहुंचे। इक्की जून को 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। योग गुरु बाबा रामदेव की अगुवाई में किया योगा। नौजवानों ने वख-वख योगा पोजा का किया प्रदर्शन। रामदेव ने कहा इतने सदियों तो चले आ रहा योगा। एक दिन बाद ही एनईटी यूजीसी की प्रीख्या रद्द। पेपर के गड़बड़ी के शक के केंद्र ने लिया फैसला। तुरंत प्रभाव नाल सीबीआई को सौंपी गई जांच। पंजाब में बदला मौसम। पटियाला में सवेर तो पै रहा मीह। लोगों को गर्मी तो मिली थोड़ी राहत। पिछले दिनों तो पै रही सी अत्त दी गर्मी। पंजाब में पहुंचा 46 से 47 डिग्री तापमान। आम जनता घर कैद होने हुई सी मजबूर। बीती रात पे मीह ने नाभा के लोगों को दी राहत। मीह पैंदे नाल किसानों के चेहरे भी खिड़े। तरनतारण के थाना खेमकण पुलिस से बीएसएफ का सांझा ऑपरेशन। पिंड मस्तगढ़ के खेतों में पाकिस्तानी ड्रोन बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर चलाया सर्च अभियान। नशा या होर गैर कानूनी चीज के लिए नहीं हुई बरामद। नगाला में एक्साइज विभाग को मिली वड्डी कामयाबी। वड्डी मात्रा में लाहण और शराब की बरामद। एक्साइज विभाग ने एक व्यक्ति को भी किया गिरफ्तार। 1700 लीटर लाहण और 250 बोतल शराब की बरामद। नवीं कलम नवे उजान बाल लेखक कॉन्फ्रेंस 16 से 17 नवंबर को संगरूर विखे कॉन्फ्रेंस। पंजाब के 23 जिले तो विद्यार्थी होंगे शामिल। सालू सिंह धर्मसोत में राजा बने आमदन तो वध जायदाद का मामला। नाभा की नवी जिला जेल में नजरबंद ने साबका मंत्री। अमृतसर शहर में नजायज उसारीकरण से कार्रवाई। मंत्री कुलदीप धालीवाल ने कहा उस इलाके के अफसर से होगी कार्रवाई। 120 करोड़ की लागत के नाल कीता ड्रेन की सफाई का काम शुरू। जलंधर पश्चिमी विधानसभा उपचुनाव बसपा प्रधान जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा बिंदर लाखा होंगे बसपा उम्मीदवार। पिछले 25 सालों तो पार्टी संगठन के लिए कर रहे काम। पठानकोट स्टेट बैंक की मेन ब्रांच में चली गोली। फायरिंग तो बाद बनया दहशत का माहौल। आईडीबीआई बैंक के गार्ड को चली गोली। मुलाजमान के नाल कैश लैन आए सी गार्ड। ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ 21 ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ 8.1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਦਨ ਸਪੀਕਰ ਨੈਂਸੀ ਪੋਲੋਸੀ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੋ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ताइवान ने अपने खेतर के नेड़े 11 चीनी फौजी जहाज 8 जल सेना के जहाजों का पता लगाया। ताइवान न्यूज ने दी रिपोर्ट। पाकिस्तान के फैसलाबाद में लैपटॉप फटन कारण लगी भयानक अग। लगन कारण 2 बच्चे की हुई मौत। बचाव अधिकारियों मुताबिक अग लैपटॉप चार्जिंग दौरान फटिया।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सरकारी दौरे से वियतनाम पहुंचे। रूसी समाचार एजेंसी ट्रॉस ने दसिया रूस के राष्ट्रपति हनोई के नोई बाई हवाई अड्डे से उतरे। विदेश मंत्री जयशंकर श्रीलंका के सरकारी दौरे से, जिस तहत विदेश मंत्री एस जयशंकर वीरवार पहुंचे कोलंबो। ताइवान भारतीय यात्री के लिए वीजा ऑन अराइवल से कर रहा विचार, ताइवान के उप विदेश मंत्री ने दी जानकारी। पाकिस्तान के कराची तटी इलाके में धारा 144 लागू, उत्थे ही छुट्टियां दौरान समुद्र में तैराकी की मनाही, अधिकारियों द्वारा दिए गए सख्त हुक्म। कतर ने 2024 की विश्व प्रतियोगिता पुस्तकल में 67 देशों में 11वां स्थान किया प्राप्त, स्विट्जरलैंड में आईएमडी द्वारा किया जारी। पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार खलील जिबरान का गोली मार के किया कतल, पत्रकार खलील जिबरान के घर को ही हुई सी गोलीबारी। सनी देओल का उद्देश्य देश की सब तो बड़ी एक्शन फिल्म प्रदान करना, सनी देओल ने गोपी चंद मलिनी नाल अपनी अगली फिल्म का किया ऐलान। मां बनने वाली दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह ने मुंबई एयरपोर्ट दिता स्टाइलिश बयान, कहा हो एक अच्छे अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे। सोहाली खान ने अपने परिवार में शानदार फोटो की शेयर, ये फोटो सोहाली खान ने नैशनल रीडिंग डे मनाने के लिए खिंचिया। अभिनेता पवेल गुलाटी अपनी आने वाली एक फिल्म के एक मुक्केबाज रूप च आएंगे नजर, फिल्म बारे पवेल ने बयान च कहा मैं एक फिल्म के मुक्केबाज की भूमिका निभा रही हूं। फिल्म वाइल्ड वाइल्ड पंजाब ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए तैयार, जिसकी रिलीज डेट भी किया ऐलान, यह फिल्म होगी 10 जुलाई नैटफ्लिक्स से रिलीज। सोशल मीडिया से अपनी स्पष्टता के लिए जानी जाती प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म द ब्लफ के सैट तो अपनी सट की सांझी की झलक। अभिनेता कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन की सफलता से बुलंदियां छू रहे, उतें ही कपिल देव ने चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन की की शलाका। आने वाली एक्शन भरपूर फिल्म किल होगी जल्द रिलीज, सह निर्माता गुनीत मोंगा ने किया वड्डा खुलासा, राघव के किरदार के लिए 100 तों वध लोगों की की जांच। बिग बॉस ओटीटी 3 के आगामी सीजन के लिए हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस अनिल कपूर ने बिग बॉस में हिस्सा लेने की जाहिर की इच्छा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म हम दो हमारे 12 बना के दिता स्पष्टीकरण, उसने फिल्म हमारे 12 देखी, फिल्म के मुस्लिम भाईचारे के खिलाफ कुछ भी इतराजयोग नहीं। पारशक्ति खुराना फिल्म इंडस्ट्री का एक अजिहा अदाकारा जो फैशन की खोज करने तो पिछे नहीं हटता, पारशक्ति खुराना ने अपनी ताजा सोशल मीडिया पोस्ट में दिता स्टाइलिश पोस्ट। सिनेमाघरों के रिलीज हुई कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन, जावेद अख्तर ने कार्तिक आर्यन की नवी फिल्म चंदू चैंपियन की की तारीफ। अन्या पांजे मिलान में अपना वध तो वध संभावित आ रही, जिसनों बहुत सारे लोग विश्व की फैशन राजधानी मानते हैं, अभिनेत्री ने सैर सपाटे दी कुछ तस्वीर की शेयर। आलिया भट्ट अक्सर अपनी बेमिसाल फैशन सेंस लिए जानी जाती है, आलिया भट्ट ने नवे स्टाइल स्टेटमेंट के अपने प्रशंसकों जितया दिल। तमिलनाडु नजायज शराब मामला मरण वाले की गिनती हुई 34, सीएम स्टालिन ने मुआवजे का किया ऐलान। टीडीपी मंत्री सुभाष ने अहुदा संभालन तो तुरंत बाद वाईएसआर बीमा योजना का बदलिया नाम, टीडीपी मंत्री सुभाष ने किरत ते बीमा मेडिकल सेवा मंत्री वजो संभालिया अहुदा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पानी से की चिंता जाहिर, कहा धरती माता के इंसाफ नहीं कर रहे, लोगों बूटे लगाने की अपील।
बिहार के भूमि सुधार से माल मंत्री दलीप जायसवाल का बयान, कहा बिहार सरकार हर जिले के बनाएगी एसआईटी। हिमाचल प्रदेश में पानी के संकट दौरान खेतीबाड़ी मंत्री चंद्र कुमार का वड्डा बयान, कहा सूबे में सब्जियां सुक रही हैं, सिंचाई लिए लोड़ी बिजली भी बेतरतीब है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा पत्र, श्रीलंका वालों फड़े गए सारे मछीरों से उन्होंने किश्तियां तुरंत रिहा करने दिए हुक्म। किरण चौधरी बीजेपी में हुई शामिल, सिरसा तो संसद मैंबर कुमारी शैलजा का वड्डा बयान, कहा किरण चौधरी के नाल पार्टी में किया गया अनुकूल व्यवहार। आदि अतिशी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दिल्ली में 21 जून तक पानी का बनता हिस्सा ना मिले तो करांगे सत्याग्रह। सबका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे ने कांग्रेस पार्टी में मुड़ शामिल होने की इच्छा की जाहिर, जंगीपुर लोकसभा सीट सांसद रहे मुखर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नालंदा लैके वड्डा बयान, कहा नालंदा की पुनर्सुरजीति भारत के सुनहरे युग की शुरुआत।